तक किस क्या हुआ क्या उनको. टुडे द फैसिलिटीज आर सो लार्ज दैट एटलीस्ट व्हेन यू गेट अ फेटल डिजीज लाइक कैंसर यू नो व्हाट यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम. सो उसके लिए रेडिएशन है, ये है, वो है. बट फाइनली आज ये रिकग्निशन आया है कि सिर्फ मेडिसिन से कैंसर को रोक नहीं सकते. मेडिसिन इज ओनली एक वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. द ट्रीटमेंट इज फार मोर होलिस्टिक एंड वो दिमाग की जितनी जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट को और खाने की और रेस्ट की एंड सपोर्ट सिस्टम्स फ्रॉम योर ओन फैमिली एंड लव्ड वंस, वो जो दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ कैंसर पेशेंट टू वॉन्ट टू फाइट कैंसर. सो द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ कैंसर इज द ह्यूमन स्पिरिट. सो वॉट हैपन टू कैंसर, डरे हुए इतने लोग हैं कि किसी को मालूम हुआ कि मुझे कैंसर हो गया उधर ही उसकी हवा चल रही थी. तो द विल टू फाइट टू लिव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लव वंस suddenly vanishes and you start waiting to die. Now the moment that happens, it'll come on very strongly and it'll be absolutely fatal. There is no question about it. That kis tarah ka cancer. And if you notice all the people in the world who have got very severe attacks of cancer and have survived, they have only survived because of the will to live. So today the treatment for a cancer patient isn't just radiation and medicines and diet and this that not. It's also to infuse in them the fact that aapko ladna padega isse. That if you cannot fight this disease on a personal level and you give up, then the disease will win.